सो गाइज, आप लोग का स्वागत है पार्ट 3 में। तो पार्ट 2 में हम लोगों ने इतना कवर करा था, और पार्ट 1 में हम लोगों ने ये आउटलाइन कवर करी थी। तो पार्ट 3 में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। जो ये हेयर्स हैं उसको आज हम पूरा ड्रॉ करेंगे, और देखते हैं आज हमने जो लाइव स्टार्ट करी है, 4 बज गए हैं आज लाइव स्टार्ट करते करते। सॉरी, मैं कहीं बिजी था, बट कोई बात नहीं, हमने फिर आज लाइव करा है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज ज़्यादा कुछ है नहीं, कल मैंने ऑलरेडी बता दिया था कल की वीडियो में काफ़ी कुछ। तो लास्ट मैंने यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स करे थे अपनी इस रेज़र के हेल्प से। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे हाइलाइट्स डाले हैं, यहाँ पे यहाँ पे। अब जहाँ लगेंगे मुझे थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट है, वहाँ मैं, मेरे पास जेल पेन है, उससे करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं आगे का काम, ये वाला पूरा कंटिन्यू करेंगे। चलिए फिर। और हाँ, मैं कई लोगों को बता दूँ कि मैं म्यूट क्यों करता हूँ। म्यूट इसलिए करता हूँ कि अदर नॉइज़ आपको ना आए, बिकॉज़ मैं अभी ईओएस से नहीं लाइव कर रहा हूँ, मैं अभी डायरेक्ट अपने स्मार्टफोन से लाइव कर रहा हूँ। तो आप लोग लाइक दिखाएंगे, आप लोग अपना प्यार दिखाएंगे, तो हम लोग फिर बड़े सेटअप से लाइव करेंगे, जिसमें हम आपको बैकग्राउंड सॉन्ग के साथ काफ़ी कुछ, मतलब लाइव में एक्स्ट्रा चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे। तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। मैं अपना माइक म्यूट कर दूंगा कि अदर साउंड आपको, बाहर का, रोड का, व्हीकल्स का साउंड आपको ना आए। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि आप, मैंने कल के लाइव में बोला था आप लोगों से कि मैं पेंसिल्स को ऑलरेडी छील करके साफ़ करके रखूँगा, तो ये दोनों तो बड़े आराम से, ये दोनों तो आराम से शार्प हो गई। बट आपको पता नहीं होगा, ये पूरी एक पेंसिल है, जो पूरी नई पेंसिल जो आप देख रहे हो, ये पूरा ही ऐसा, मैंने नए शार्पनर से भी शार्प करके देखी। ये मेरे पास एक कटर है, इससे भी शार्प करा मैंने, कुछ बात नहीं बनी गाइस। वो पूरी अंदर से टूटा हुआ लेड था उसका, मैंने पूरी पेंसिल को ऐसे खोल दिया, पूरा लेड अंदर से टूटा हुआ था उसका। ये पूरी पेंसिल देखो गाइस, पूरी पेंसिल ऐसे ही आपको देख रही होगी, पूरी पेंसिल मेरी एक ख़राब हो गई पूरी इसी चक्कर में। तो जब ऐसा होता है तो दिमाग बहुत ख़राब होता है, इसलिए पहले से ही घर से अगर किसी कॉम्पिटिशन वगैरह में जा रहे हो तो शार्प कर लेना, नहीं तो आप लोग भी ऐसे छीलते बैठोगे अपने कॉम्पिटिशन में जो भी होगा।
सो गाइस, आज के लाइफ में मैंने इतना कंप्लीट कराया तो मैंने बहुत धीरे धीरे ड्रॉ कर रहा हूँ। सो गाइस, आज के लाइफ तो यहाँ पे मैंने दिखाया आपको कैसे मैंने हाईलाइट करा, कितने मैं स्लोली स्लोली इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ कि आप लोग को आराम से दिख जाए कि स्ट्रोक कैसे मारा। मैं मारने को बहुत जल्दी जल्दी स्ट्रोक मार सकता हूँ, आप लोग को समझ भी नहीं आएगा, इसलिए मैंने बहुत धीरे धीरे इसको ड्रॉ कराया। आपने देखा पहले मैंने फर्स्ट लेयर फिलिंग की करी, उसके बाद सेकेंड लेयर मैंने उसका ब्लेंड कर दिया, उसके बाद मैंने इसमें फिर फिल करा, उसके बाद मैंने इसके हाइलाइट्स इसमें ऐड करे वो इरेजर की मदद से, या तो आपके पास कोई जेल पेन हो तो उससे कर सकते हैं। अगर हार्ड है तो इसको हल्की फेड है, इसलिए मैंने इरेजर से करने के बाद दोबारा मैंने इसमें ब्रश इसमें अप्लाई करा, उसके बाद ये ऐसा लुक आ रहा है। तो गाइस देखिए, मैंने इस तरह से हेयर ड्रॉ हुए हैं, तो आपको हेयर का समझ में आ गया है। तो अगले लाइव में हम लोग आईज से ड्रॉ करना चालू करेंगे, आईज़ नोज़ लिप्स करेंगे अगले लाइव में। तो आज भी बस हम 2 घंटे तक का ही लाइव करेंगे। चलिए फिर, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो हमारे 2 घंटे कंप्लीट होने वाले हैं, तो पहले 2 घंटे कंप्लीट कर लेते हैं। तो तब तक मैं आपको चीज़ें बताता हूँ क्लॉथ में किस तरह से करना है। तो मेरा जो, जैसे कि आप लोगों के पास भी ऐसे काफ़ी सारा चारकोल ऐसे इकट्ठा हो जाएगा, तो आपको इसको अलग कर लेना है। और ये चारकोल आपको ये मटेरियल दिख रहा है, मैं आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये चारकोल इकट्ठा हो गया मेरा। तो इस चारकोल को मैं ब्रश में डिप करके यहाँ पे ऐसे फैला दूँगा, जिससे हमारा ये शेड आ जाएगा यहाँ पे। इसको अलग से निकाल भी लें, जैसे मैंने यहाँ पे निकाल के अलग से रख रखा है, पहले से इकट्ठा कर रखा है। ये देखिए गाइस, ये मैंने चारकोल खुद से होममेड है ये मेरा, मैंने कहीं से ख़रीदा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा महीन कराया मैंने इसको।
चलिए गाइस फिर आज की वीडियो में इतना ही, तो ये करा है, अगली वीडियो में हम आइस कवर करेंगे तो वो पार्ट 4 होगा। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय।